सोशल मीडिया पर एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बातें सामने आ चुकी है कि किसी फिल्म में शाहरुख सलमान साथ आ जाएं, किसी फिल्म में शाहरुख और आमिर साथ आ जाएं, किसी फिल्म में सलमान और आमिर साथ आ जाएं, या फिर किसी फिल्म में आमिर, सलमान और शाहरुख तीनों ही एक दूसरे के साथ नजर आ जाएं। लेकिन अब किस डायरेक्टर ने इस चीज को करने में सफलता हासिल की है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवी सगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आमिर खान इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में कई फैंस ने इस बात का अनुमान लगाया था कि क्योंकि आमिर और सलमान बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है कि शायद सलमान खान अपनी दोस्ती निभाते हुए, क्योंकि इस वक्त काफी फिल्म्स में केमियो कर रहे हैं, जवान में भी उनका केमियो है, चिरंजीवी गारू के साथ भी उनकी कई सारी केमियोज होने वाली हैं, डांस परफॉर्मेंस होने वाला है, तो फैंस का ऐसा मानना था कि शायद आमिर खान करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में खुद सलमान खान एज अ केमियो करते नजर आएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि नन अदर देन आमिर खान, जी हाँ, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ, आमिर खान ने खुद सामने आकर इस बारे में कंफर्मेशन दे दिया है और कह दिया है कि शाहरुख खान, जी हाँ, सलमान नहीं बल्कि इस बार बाजी पलट दी है और शाहरुख खान आमिर के साथ लाल सिंह चड्ढा में एक स्पेशल केमियो करते नजर आएंगे। चलिए आपको बताते हैं क्या कहा है आमिर ने इस बारे में। बात करते हुए आमिर कहते हैं कि एक सुपरस्टार को फाइनली मैंने मना लिया है स्पेशल केमियो के लिए। जी हाँ, शाहरुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो इंडिया के वन ऑफ द सुपरस्टार्स हों। जी हाँ, जिस तरीके से इसके अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन में एल्विस पर्सले हैं, वैसे ही मुझे इंडिया का एल्विस पर्सले चाहिए था। इसके हॉलीवुड वर्जन में एक सुपरस्टार को दर्शाया गया है, वैसे ही मैं यहाँ के सुपरस्टार को लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, बिगेस्ट आइकॉनिक स्टार इन इंडिया मुझे लगता है कि इस वक्त शाहरुख खान है, और इसीलिए मैंने शाहरुख से अप्रोच किया और शाहरुख ने इस फिल्म में केमियो करने के लिए हामी भर दी। सो आप सब निश्चिंत रहिए, शाहरुख खान आपको इस फिल्म में केमियो करते जरूर नजर आएंगे। इस खुशखबरी पर क्या है आपकी राय, आप हमें बताएं।